गाइस गुड मॉर्निंग। और आज 21 तारीख है, 21 मई 2024। आपको दिखाता हूँ इतना बुरा हाल है गर्मी का, गर्मी से कि बहुत ही बुरा हाल। और NDPL पे भी, यानी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पे भी इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया है कि रात को 5-5 बार लाइट गई होगी। हालांकि पूरा साल कभी लाइट नहीं जाती, इन्वर्टर कभी काम नहीं आता, ऐसे बेकार पड़े हैं, लेकिन लोड इतना बढ़ गया है कि बुरा हाल है। मैं आपको दिखाता हूँ आज की लू, और आज का हाल इतना बुरा है कि हम कहीं लू की जो एक फीलिंग है उससे बचने के लिए, देखिए मैंने एक 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 मनी प्लांट लगाया है कप में, ये देखिए आप भी लगा सकते हैं, ये कप है और इसमें मैंने लगा दिया, आज ही लगाया, थोड़ी मिट्टी भर दी है। और यहाँ पहले से एक मनी प्लांट है, तो यहाँ पे मुझे एक गार्डन की फीलिंग आती है, मिनी गार्डन की, और इस पर स्प्रे करता रहता हूँ मैं। ये स्प्रे है और यहीं पे रखा रहता है ये, और इससे मैं ऐसे पूरा एक गार्डन का इफेक्ट आता रहता है और अच्छी फीलिंग आती है। तो गाइस इतना बुरा हाल है गर्मी से, मैं आपको बता नहीं सकता। और जो मैंने AC का ब्लॉग लगाया था, आपने देखा होगा, तो उसी में काम की चीज़ निकल आई मेरे, कि ये काम की चीज़ निकल आई है। ये थर्मोकोल का डिब्बा है और ये थोड़ा क्रैक हो गया था, तो मैंने यहाँ पे देखिए टेप लगा दी है मजबूत, ताकि यहाँ पे कोई क्रैक और ना रहे, वैसे और फ्रेश है ये बिल्कुल। ये इतना बड़ा डिब्बा है, देख कितना बड़ा डिब्बा है। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि इतनी गर्मी में जो पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, वो बेचारे कितने परेशान रहते होंगे। मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ बाहर का। गाइस इतना बुरा हाल है गर्मी के कारण कि बता नहीं सकते आपको। देखिए अभी जो है बेचारी इसमें बैठी है, ये देखिए ये बैठी हुई है। कल मैंने पानी दे दिया था भरपूर, जब यहाँ पे दोनों बर्ड उड़ चुके थे और अब उड़ना सीख गए परफेक्ट, तो यहाँ पे कोई नहीं था, इसलिए मैंने मौके का फ़ायदा उठा के और सारे गमलों में पानी दे दिया था। तो अब देखिए यहाँ पे मैं विंडो के अंदर से दिखा रहा हूँ, इतनी भीषण गर्मी, इतना बुरा हाल है कि कल का टेम्परेचर पता नहीं किसी ने मुझे बताया कि 47-48 के डिग्री के आसपास था। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया ये था कि ये जो थर्मोकोल का जार है, इसको क्यों ना मैं पानी का बर्तन बना दूं। इसको मैंने टेप लगा के परफेक्ट कर दिया है और अब चलते हैं पक्षियों के लिए स्विमिंग पूल का मैंने इंतजाम कर दिया है, चाहे तो वो नहा भी सकते हैं इसमें, क्योंकि काफ़ी बड़ा है ये, और चाहे तो वो पानी पी सकते हैं। तो गाइस इस तरह से पक्षियों का कुछ करते हैं। यहाँ तो हवा चल रही है, देखिए भरी दोपहर में इतना बुरा हाल है, सब अपने घरों में घुसे हुए हैं। ये देखिए कल परसों मैंने बाल्टी रखी थी पानी की, तो देखते हैं कुछ सूख गया होगा पानी, कुछ तो ये पानी रखा था, ये देखिए, तो इसको भी भर देते हैं नया, तो मैं फेंक देता हूँ और उसमें नया पानी भर देता हूँ। इसको भी रख दूँगा और इसको भी रख दूँगा, और ये देखिए कितना बड़ा है, तो इसमें एक तरह से स्विमिंग पूल हो जाएगा ये पक्षियों का। हाँ हाँ, पानी की आवाज़ भी कितनी अच्छी लग रही है गर्मी में। देखिए पूरा का पूरा सब लोग अपना घर में घुसे हुए हैं, इतने भयानक गर्मी है आज किसी का कोई हिसाब। ये तो भर गई है और अब इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे कोई बड़ी गर्दन वाला पक्षी पानी पी सकता है। यहाँ पे मैं इसलिए रख रहा हूँ, यहाँ धूप बिल्कुल लास्ट में आएगी जब सनसेट का टाइम होगा। और अब इसमें देखिए ये लीक नहीं होना चाहिए, और हालांकि नया है और ये
ऐसा स्विमिंग पूल बनेगा शानदार, इसमें आराम से पानी पी सकते हैं पक्षी। इतनी गर्मी है कि बुरा हाल है गाइस। ये देखिए, अब इसमें स्विमिंग पूल तैयार कर दिया मैंने और पक्षी अपना पानी पीते रहेंगे तो उन बेचारों का भी कुछ भला होगा। तो गाइस स्विमिंग पूल देखिए कितनी देर हो गई, इसमें तो काफ़ी बड़ा है ये, और ये देखिए यहाँ पे आराम से पानी पी सकते हैं। अभी भर गया स्विमिंग पूल और क्लो हो गया है, तो अब इसको सरकाऊँ कैसे कहीं टूट ना जाए, देखता हूँ। गैस बहुत बुरी हवा, मतलब बुरी हवा नहीं, गर्म हवा चल रही है और बुरा हाल है। तो मैंने अभी पक्षियों का जुगाड़ कर दिया है पानी पीने का, और अभी मॉनसून का भी कोई सीन नहीं है, एक महीना या 20-25 दिन लगेंगे आने में। तो गाइस ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और लाइक करना। बहुत बहुत धन्यवाद, और बी काइंड टू एवरी एनिमल एंड बर्ड। पक्षियों का भी ध्यान रखिए, थोड़ा सा कहीं भी पानी का उनका इंतजाम कर दीजिए, खाने का तो फिर भी कर लेंगे, पानी का नहीं हो पाता है। तो गाइस इस तरह से ये स्विमिंग पूल तैयार हो गया है इनका, और काफ़ी बड़ा स्विमिंग पूल है, इसमें नहा भी सकते हैं पक्षी। तो रात को जब खाना खा के मैं घूमता हूँ तब देखूँ इसका क्या हाल है। अब चलते हैं, देखिए पूरा जल रहा है सब कुछ। कल तो हवा भी नहीं थी, आज तो हवा चल रही है, हालांकि बेशक लू ही है लेकिन चल रही है।